दिव्या बोलो कहाँ हो तुम? वो ताज कॉर्पोरेट मीटिंग में। बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? डिस्टर्ब कर दिया? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। जस्ट 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बोलो क्या बोल रही थी? अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई है। वन सेकेंड, आई वॉन्ट ऑल माई फाइल्स ऑन माई टेबल इमिजिएटली। यू ऑल कंटिन्यू द मीटिंग। दिव्या मैं बाहर आकर बात करता हूँ, तब तक लाइन पर रहो। हाँ बोलो दिव्या, क्या प्रॉब्लम है? पीरियड के बाद 45 डेज और निकल गए हैं और मैंने चेक किया तो कंफर्म भी हो गया। ये क्या बोल रही हो दिव्या? कितनी बार कहा कि कंट्रोल में रहा करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? आज मिनिस्टर के घर से मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। क्या ठीक है? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। हम रजिस्टर मैनेज कर लेते हैं और ऊटी स्टेट चले जाते हैं। ऊटी स्टेट? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो यार। रजिस्टर मैनेज करते हैं और वहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक महीना वेट करो, बस एक महीना। मैं एक महीने वेट नहीं कर सकती, मेरी बात मानो बहुत देर हो जाएगी। दिव्या, मैं दिव्या मेरी बात तो सुनो। दिव्या सुनो तो। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? ये तो मुझे अमीर समझ रही है। अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो दिव्या मुझे नहीं मिलेगी। ये लोग भी आ गए। गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर जाए तो उसे क्या समझना चाहिए? ये बात तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? सिगरेट देख। अच्छा देख रहा हूं तेरा बर्ताव बहुत बदल रहा है। मैं एक लड़की को किडनैप करने जा रहा हूं। क्या देख रहे हो? प्लान बना दिया है और वही फाइनल है। हे मजाक कर रहा है क्या? हे पिछली बार कितनी प्रॉब्लम हुई थी पता ना तुझे, फिर तू ये गलती करने जा रहा है? क्या यार पैसे अच्छे मिलेंगे ना? मारूंगा थप्पड़, वो बंद कर। चाचा जी बोल रहा हूँ ना, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि जिसे किडनैप करना है वो मेरी भांजी है। क्या दीदी की बेटी? मेरे जीजा के पास बहुत सारा पैसा है और घर पे रखे क्या अचार डालेगा वो? वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ गया ना? मैंने अंजलि को अपने गोद में खिलाया है और उसके बारे में सोचकर थोड़ा दुख होता है। बस एक दिन की तो बात है और ना ही हम उसे टॉर्चर करने वाले हैं। सुनो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी और अपना काम भी होगा। अरे इन सबसे अच्छा है तू अपने जीजा से मदद ले लेना। उसके सामने जाकर भीख मांगो? 1 लाख देगा क्या वो? तुम्हें क्या लगता है देगा? हाथ जोड़ के भी मांगूंगा ना तो नहीं देगा वो। मेरा सपना अलग है चाचा जी। चलो चलो तैयारी करो। ए चलो। हे अजय 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 मेरी बात सुन। अजय 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 मेरी बात सुन। अजय मुझे ठीक नहीं लग रहा है अजय प्लीज। चाचा जी इसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे दोगे क्या? हाँ बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, समझे? इसे देखो, इसने जिससे पैसा लिया है ना उसका ब्याज नहीं दिया तो कितनी गाली पड़ी है पता है आपको? 4.5 लाख रुपए के लिए कितनी गाली सुनी पड़ी। कहाँ से लौटाएगा ये पैसा जरा बताइए? पैसा ही सब कुछ है, मेरे प्यार के बीच भी पैसा ही आ रहा है। ये देखो, हर साल ब्लड डोनेट करके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता हो क्योंकि पैसे नहीं है। आप ये बात नहीं समझोगे क्योंकि उसके लिए प्यार करना पड़ता है। मेरी बात का बुरा मत मानिए, अगर आपके पास पैसा होता तो आपकी बीवी आपका बच्चा आपको ऐसा छोड़ के चले जाते क्या? हाँ ऐसे क्या देख रहे हो? सबको पैसों की जरूरत है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। यार तेरा प्लान सुनने में तो सही है लेकिन अगर फंसे तो बहुत बुरा फंसेंगे। हम लोग बिल्कुल नहीं फंसेंगे क्योंकि अपने यार का प्लान 1 नंबर का है। पक्का पुलिस के हाथ लगेंगे, हर रोज अखबार पढ़ते हो ना, पैसे लेते समय कैसे पुलिस पकड़ लेती है? चाचा जी हम लोग बिल्कुल नहीं फंसेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करो, कल रात को आप अपनी बेटी को कन्नौज जाकर छोड़ आओ और उसी बस में वापस आओ। जब आप आ रहे होंगे तो उस वक्त चेन्नई में 3 बज रहे होंगे। उसके बाद तुम्हारी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में घबराते हुए जाओ और पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। वॉचमैन से पूछो कि मेरी बेटी स्कूल में आई थी, इतना टाइम हो रहा है अब तक वो घर पर आई क्यों नहीं। जाकर पूछो उससे, क्लोज फ्रेंड टीचर से जाकर पूछो कि मेरी बेटी अब तक घर पर आई क्यों नहीं। घर पर जाकर आस पड़ोस के लोगों से पूछो कि मेरी बेटी आई थी क्या, क्या आप लोगों ने उसे खेलते हुए देखा क्या। सभी लोगों से पूछताछ करो। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो, उनसे कहो कि मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छे से एक्टिंग करना ताकि उनको यकीन आए कि तुम्हारी बेटी गायब हो गई। ए, ये पांडी की तरह उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? उस लड़की को किडनैप करने के लिए मेरी बेटी गायब हो गई है ये कंप्लेंट करने मैं पुलिस थाने क्यों जाऊं? ए, इसे उलझाओ मत, पुलिस को देखते ही मेरी पेशाब निकल आती है। पेशाब निकल आता है? अरे पैसे भी तो आप ही लोगे ना चाचा जी। क्या कह रहे हैं? मान लो
अगर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया तो पुलिस से कहना कि जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है उसने मुझे फोन किया है और ये पैसा मैं उसे देने जा रहा हूँ। ये पैसा लेकर ही वो मेरी बेटी को छोड़ेगा। देखो तुम्हारा प्लान ठीक है लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। अरे सुनो चाचा जी, इसने बहुत धांसू प्लान बनाया है। इसे कुछ भी समझाओगे समझेगा नहीं। कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग संभाल लेंगे ना। अच्छा तुम लोग पैसे लेकर जाओगे तो मुझसे जेल में मिलने आओगे क्या? हे अजय, ये पुलिस स्टेशन कंप्लेंट ये जितना भी रिस्क वाली बात है सब हटा दो, मुझसे नहीं होगा। मेरा हिस्सा दे दो और मुझे बचा लो, प्लीज मेरी बात समझो। टेंशन की बात नहीं है चाचा जी, आपकी इस उम्र में आपके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। 1 करोड़ जैसे ही हमें मिलेंगे हम लोग पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, समझे आप? 1 करोड़ का मतलब है कि सबको 25-25 लाख मिलेंगे, इतना हमारे स्टेटस के लिए ज्यादा नहीं होगा। पांडे ज्यादा लालच नहीं, पुलिस भी है इसमें। सर इस साल और 15 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, इसके लिए आपको ही डोनेशन देना पड़ेगा। अरे अरे इसमें क्या है, कर लेंगे ना। और वैसे भी ये पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं तो मुश्किल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते मामा। मामा आज हम घूमने जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे? बीच। ठीक है दीदी घूमने चले। इनसे पूछो। अंजलि पापा से पूछो। डैडी डैडी हम बीच पर चलें क्या? अगर मैडम कहें तो हम कहीं भी चले जाएंगे, चांद पे भी जा सकते हैं। आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं, बेटी पूछ रही है तो मना थोड़ी करेंगे। चलो चलते हैं। जाओ जो ड्रेस चेंज हो जाओ। ए तू उसे बिगाड़ रहा है। हाँ दीदी आप चुप रहो, जल्दी आओ, चलो जल्दी। सरोजा दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, टीवी देखते मत बैठना। हाँ ठीक है तुम गाड़ी निकालो। डैडी डैडी मुझे ये घर ना पसंद नहीं है, हम अपने पुराने घर चलते हैं। ए मजाक करिए, चुप बैठ। तुम्हें इतना बड़ा घर पसंद नहीं है? अगर तुम चाहती हो तो हम वहीं चलते हैं। बहुत जोर से भूख लगी है, इतनी देर से खेल रही हो तो भूख तो लगेगी ही। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। ठीक है लेकिन गर्मा गर्म, गर्मा गर्म खाना है। ओके लाता हूं। प्यारी बच्चे को भूख लगी है। जिया जी कहाँ जा रहे हो? जरा रुकिए मैं भी आता हूँ। कहीं भी जाएगी तो गुड़िया को साथ लेकर जाएगी क्या? अजय वैसे हमारी गाड़ी में भी खाने पीने की कुछ चीजें हैं। कुछ खेलते हैं। ये मामा के लिए, ये पापा के लिए, ये मम्मी के लिए, और ये गुड़िया के लिए, और ये मेरे लिए। पकड़ लिया। ए बलून देख लिया, अब छोड़ेगी नहीं ना, संभल कर जाना। ओफो मैं वापस आकर इसे ले लूंगी, आप इसे संभाल कर रखना। दूर मत जाना। खाने के साथ मैं पीने के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। दीदी तुम्हें स्वीट पसंद है ना? मुझे नहीं चाहिए। अंजलि कहाँ है? यहीं कहीं खेल रही होगी, उसने बलून उड़ते हुए देखे और उसके पीछे भाग गई। अरे इनको देना। ये लीजिए। ए अंजलि को खिलाने से पहले तू ही बैठ गया खाने, कहाँ गई वो दिखाई नहीं दे रही। वो तो कह रही थी कि उसे भूख लगी है। क्या कहकर गई थी तुमसे? यहीं कहीं होगी। अंजलि 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 मैं इधर। अंजलि 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 कहाँ हो बेटी? अंजलि अंजलि कहाँ चली गई? अंजलि 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 कहाँ हो बेटा? सुनिए आपने किसी बच्चे को देखा? नहीं हमने नहीं देखा। सुनिए आप लोगों ने यहाँ व्हाइट ड्रेस में एक बच्ची को देखा है क्या? नहीं नहीं हमने नहीं देखा। अंजलि आपने मेरी बेटी को देखा क्या? यहाँ पे छोटी बच्ची खेल रही है, क्या आपने देखा? नहीं तो अंजलि सर सर अंजलि नहीं छोटी सी बच्ची नहीं पता क्या आपने देखा? एक छोटी सी बच्ची हम भी आए थे। आपने मेरी बेटी को देखा?
सफेद ड्रेस पहने हुए हैं। कहीं देखा क्या आपने? जी नहीं। वो कह रही थी कि उसे भूख लगी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जीजा जी रोइए मत। दीदी अपने आप को संभालो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ जी पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलिए ना। चलो जीजा जी पुलिस स्टेशन। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ। चलो ना। किसका फोन? हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, एक छोटी सी बुरी खबर है, आपकी बेटी मेरे पास है। रात के 12:30 बजे से पहले बेसिंग ब्रिज पे 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाओ। और अगर गलती से तुम लोग पुलिस के पास गए तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? कौन था? अंजलि किडनैप हो गई है, 1 करोड़ मांगा है। पता नहीं कौन है, हमारी बेटी को किडनैप कर लिया है। कह रहे हैं अगर बेटी जिंदा चाहिए तो रुपए लेकर आओ। क्या बोल रहे हैं जीजा जी? मैं सच कह रहा हूँ अजय, हमारी बच्ची किडनैप हो गई। पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं, वो हमारी बच्ची को मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। जीजा जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। तुम चुप रहो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, गाड़ी निकालो। हाँ चलो चलो जल्दी चलते हैं, चलो। मेरी बच्ची। तुम गाड़ी को रिवर्स लो, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आइए। बैग लाने में कितना टाइम लगता है? आ रही हूँ आ रही हूँ। सुनिए जी मैं भी नहीं, आपके नहीं, साथ चलती हूँ। मैं आता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन चलते हैं? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? अजय वो तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक बच्ची होगी। तुम्हारी दीदी के साथ शादी होने के पूरे 14 साल के बाद अंजलि पैदा हुई है, और वो भी दर दर भटकने और कितनी मन्नतों के बाद। एक बात सुन लो, हमारे जीने का एकमात्र सहारा है वो, भगवान का आशीर्वाद है मेरी बेटी, उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते। अरे उसके लिए 1 करोड़ रुपए तो क्या, 10 करोड़ भी दे सकता हूँ, 10 करोड़। बल्कि यूं कहूं कि उसके लिए तो पूरी जायदाद भी लुटा सकता हूं मैं। बस किसी भी तरह से मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। वो हमेशा रात में जब तक मेरे सीने से लिपट कर सोती नहीं, उसे नींद नहीं आती। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता।
हम दोनों मियाँ बीवी बस उसी को देखकर अपने जीवन की सारी खुशियों की कल्पना करते हैं। उसकी वजह से मैं रोड पर भी आ जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी भी तरह एक बार मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। रोही मत जीजा जी, वो आ जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? दीदी दीदी ऐसी कब तक बैठी रहोगी, जाकर कुछ खा लो। जीजा जी, मेरा फ्रेंड कमिश्नर के ऑफिस में काम करता है, मैं उससे बात कर लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कहना, रिस्क है। बिल्कुल नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ मानने को तैयार ही नहीं। अंजलि को ढूंढना नहीं है क्या आपको? मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है। जीजा जी पुलिस स्टेशन नहीं गए, पैसे ठीक से रखे हैं ना? हाँ, पैसे सुरक्षित हैं, बच्चे भी सो रही है, वहाँ सब कैसा है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जैसे ही उठ जाए ना उसे खाने के लिए कुछ दे देना, ठीक है ना? और मेरी बात सुनो, बिल्कुल 10 मिनट के बाद जीजा जी को फोन करके और 3 करोड़ मांगना। ए, तुम मजाक कर रहे हैं क्या? इतना रिस्क क्यों? ए, बहस करने का टाइम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप वही सुनो। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? फोन रख। हे, कुछ गड़बड़ है क्या? अब वो गड़बड़ शुरू कर रहा है। क्या हो गया उसको? ज्यादा पैसे मांग रहा है क्या? बोल दो हम लोग ये नहीं करेंगे। लूजर की तरह बात मत करो, वो बोल रहा है कि जीजा जी को फोन करके 3 करोड़ रुपए मांगो। सबको 1-1 करोड़ मिलेगा। हे, ऐसे मत करो, लफड़ा हो जाएगा। अरे सोचो, सबको 1-1 करोड़ मिलेगा, आप गांव जाकर के ढेर सारी जमीन खरीद के अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे, आप जमींदार बन जाएंगे, जमींदार। लफंगे, अपना मुंह बंद कर, इतने पैसे हम अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए, बाप रे। और वो बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हे, पिछली बार जो हुआ उसे भूल गया क्या? जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, इतना ही हमारे लिए काफी है भाई। मम्मी मम्मी मम्मी, डैडी डैडी। हे पांडे, जरा जाकर देखो क्या हुआ। मम्मी डैडी मम्मी, कहाँ है आप लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, मुसीबत, रो मत, रो मत, चुप हो जा, आवाज मत निकालना वरना मारूंगा थप्पड़। चुप,